तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, ये नीचे आप लोग जो देख रहे हो, यहाँ पर एक तुंगेश्वर भगवान का मंदिर है, मैं गया हूँ। और अभी का सिचुएशन ये है कि बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, इतने सारे बादल आ चुके हैं यहाँ पर, पूरे पहाड़ों पर सिर्फ और सिर्फ बादल ही बादल हैं। शायद मेरे घर से भी दिखेगा जहाँ पर मैं स्टे किया हूँ, तो चलो मैं दिखाता हूँ वहाँ से भी कुछ, या फिर टेरिस पे चला जाऊँगा वहाँ से दिखाऊँगा। भाई साहब क्या ही धूप निकली है उन पहाड़ों पर, और ये साइड के पहाड़ों पर ज़बरदस्त वाली गलन वाली ठंड हो रही है। मतलब क्या ही बोलूं यार कुदरत को, क्या ही मौसम है। दुकानें तो खुली हैं काफ़ी, बहुत सारी बंद ही है। हमें कुछ खाने को चाहिए। ये मार्केट का कुछ अलग ही है यार, पूरा मार्केट बंद है, सिर्फ स्ट्रीट चालू है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ध्वनि एक्सपीरियंस। वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गया है, 1:30 बज रहे हैं। और मैं जहां पर स्टे किया हूं, ये एक होम स्टे है, और आप लोग देख सकते हो यहां पे मैंने पूरा अपना सेटअप ले लिया है बना के, उन्होंने दिया मुझे ये सब सामान वामान यहाँ पर रखने के लिए है। और मैं बाहर की अगर दिखाऊंगा आपको जो सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट टाइम में बाहर की, एक मिनट में ज़रा सूज पहन लूँ क्योंकि बहुत ठंड वाली हवा चल रही है। ये देखिए पूरे बादल हो रखे हैं, सुबह से खतरनाक वाली ठंड हवा वाली हवा चल रही है यहाँ पर। और वहाँ पर आप दूर देख सकते हो पहाड़ी पर, वो केदारनाथ का पीक था, दिख रहा था, बट अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल हो गए हैं। तो ये देखिए, तो भाई साहब दोपहर के बज रहे हैं 1, और मैं निकल रहा हूँ अभी थोड़ा सा लोकल ऐसे ही घूमने के लिए। देखता हूँ कहाँ तक जाऊँगा क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ अब। कुछ वीडियो एडिट करना था बट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको भी एडिट कर कर के परेशान हो गया, बहुत सारी चीज़ें हौचपौच हो गई हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ घूमने के लिए, तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे बहुत ठंड है, गलन भी है, और मैं फलासी गांव पहुँच गया हूँ, जिस मंदिर में लास्ट ईयर मैं शिवरात्रि के दिन आया था दर्शन करने के लिए। महाशिवरात्रि था उस दिन, मैं दर्शन नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी मंदिर में जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। उसकी वजह से जो है मंदिर में सारे लोगों को अलाउ नहीं था, तो उसकी वजह से सबके लिए टोटली बंद था मंदिर, बाहर से लोग दर्शन करके जा रहे थे। तो फाइनली हम आ गए हैं मंदिर में जाने के लिए, ये गेट है यहाँ का। भाई साहब मंदिर शायद से बंद होगा, कोई नहीं है मंदिर में, मैं ट्राई करके देखता हूँ। मंदिर तो आज भी बंद है, दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। ये मेरा सेकेंड टाइम मंदिर में विजिट है और दोनों बार मंदिर बंद है। देखते हैं अभी
कब तक खुलेगा मंदिर पूछते हैं। अगर नियर अबाउट टाइम पे खुलने वाला होगा तो मैं रुक जाता हूँ। सॉरी, एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसकी वजह से मुझे कान मुंह सब ढक के रखना पड़ रहा है। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये है छतोरा गांव नीचे है। मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ, कोशिश करूँगा नीचे जाने के लिए। कैसा है खाना पीना, उठना, उनके घर का डिज़ाइन कैसा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है छतोरा। अब यहाँ से ये है नीचे जाने का रास्ता। कोई रास्ता नहीं बना है, सिर्फ कच्चे रास्ते से ही इन लोग जाते हैं। अंकल से मेरी बात हो रही थी, उसी गांव के हैं, तो वो बोल रहे थे कि भालू वगैरह होते हैं इस गांव में। तो मैं कोशिश करता हूँ कहाँ तक जा पाऊँगा, देखता हूँ। बहुत ही टफ रास्ता है और स्लिपरी भी है काफ़ी। आई थिंक से रास्ता ये वाला था, मैं गलत साइड से उतर गया, क्योंकि रास्ता इधर से ही बना था, शायद ये शॉर्टकट था और ये लॉन्ग कट है। बहुत ही टफ रास्ता था, बहुत ही टफ रास्ता है भी अभी। मुझे देखना है गांव, इसके लिए जा रहा हूँ, नहीं तो शायद है कि मैं नहीं जाता नीचे। पहाड़ों से और ऐसे पगडंडियों से हो के मैं नीचे उतर रहा हूँ। मेरे साथ ही कोई नहीं है कि मैं दिखा सकता हूँ कि प्रॉपर वे में कैसे उतरना पड़ रहा है या फिर पैर कहाँ पड़ रहे हैं। और यहाँ पे ये सिचुएशन है कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो हम नीचे गिर सकते हैं। ये इनके ऐसे रास्ते हैं जंगलों में से। इनके गांव में अभी तक कोई रोड नहीं बनी हुई है। और बनेगी भी नहीं रोड, क्योंकि ऐसे पहाड़ के नीचे इनका गांव है, घर है इन लोगों का। शायद से ये बोल रहे थे कि 8-10 घर के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो देखता हूँ कितने लोग रहते हैं, क्या है, कैसा है गांव। वैसे तो और भी नीचे काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं, शायद घर होगा ही, जो 10-15 इन्होंने बताया मुझे अंकल ने, शायद से 10-15 घर होंगे यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर सारे बांस के पेड़ हैं, ये बांस का पेड़ बोलते हैं इनको। और ये सब चारा है, गाय भैंस बकरी वगैरह को इन लोग कभी कभी कट करके खिलाते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन देखिए, इतना और भी नीचे जितना नीचे जाएंगे उतना गांव वगैरह दिखेगा, घर है वहाँ पर। कैसे लाइफ इन लोग जीते हैं, ये रास्ते बने हुए इन लोगों ने खुद से बनाया होगा ये रास्ता। गवर्नमेंट ने जब गांव में रास्ता ही नहीं दिया है तो यहाँ क्या ही आके बनाएगी। कितना, 2 कमरे हैं कि 3 कमरे, 4 कमरे, 1, 2, 3, 4, 4 कमरे हैं। अच्छा, ये भाई इनके 2 कमरे यहाँ पर हैं और वो 4 कमरे कैसे कैसे करके इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये तो आई थिंक से स्टोर रूम इन्होंने बना रखा है। बहुत छोटे छोटे कमरे भी हैं। अरे बाप रे, इतने छोटे घर, इसमें रहते कैसे हो आप लोग? ये भी ऐसे सेम छोटा? ये वाला, ये भी उतना ही बड़ा है? और ये दोनों, ये दोनों दिखाओ। कोई है क्या अंदर? नहीं नहीं कोई नहीं। हाँ, छोटी बकरी है। डरा दिया आपने।
तो वो एक्चुअली जिसमें ढक के रखा है आपने, वो ऐसे हील डूल रही थी उसमें। मैं डर गया, मैं बोला क्या है इसमें भाई। अच्छा ये गेस्ट रूम है, कोई आया गया तो उसको बैठने के लिए। लाइट भी है गांव में, देख ये देख ये देख ये देख देख तेरा फेस आ रहा है इसमें, देख रही है हाँ? वे क्या भागने में एकदम एक्सपर्ट है तू। अब आपका वीडियो बनाऊंगा मैं यहाँ, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। अभी तक मैं नहीं बना रहा था, लेकिन अब बनाऊंगा, आप बहुत स्ट्रांग हो। हाँ तो आप कभी ऐसे शेर को भगाए हो इधर से? कई बार। कई बार भगाए? हाँ कुत्ता, हाँ डॉग, हाँ हम भी कुत्ता ही बोलते हैं, हिंदी आती है मुझे। हाँ यहाँ पर मैं वो रात रात को हो गएगा रात, उसके बच्चे थे, उस बच्चे को ऐसे गोद में अंदर ले जा रही थी काफी टाइम, गोद में रही और मैं यहाँ पर खड़ी हुई, वहाँ से वो शेर आया और यहाँ पर वो लाई कर, मैंने उसको भी बच्चा ऐसा छोड़ा और उसको यहाँ पर गोद लाई। अच्छा आता कुत्ता, हाँ नहीं नहीं ठंड नहीं हो रही है, ठीक है। आता पानी क्या हुआ रात को, रात को कुत्ता को छाया दिया, हाँ लड़ाई की, और वो नीचे सुअर आया रात को, हाँ जंगली सुअर, हाँ सुअर को मारा शेर ने, अच्छा डॉगी कुत्ते को छोड़ दिया। एक बार हुआ अंदर थे हम सो रखे, अब पहले तो नहीं है होता ना हमारे घर में जाओ, हाँ जाओ रात को क्यों कर रही है काम, उसको ढका दिया मैं, अंदर गई मैं सो गई, उसको बाथरूम रखा कुत्ते को, गुस्सा आया कि अब ये नहीं सोने दे रहा, उसको छोड़ दिया निकाल रखा है, अभी वो जिंदा है 2 साल का कुत्ता, निकाल रखा है, अभी 2 साल का यही रहता है कुत्ता, कुत्ता ये इधर से ना, टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, अब 3 बजने वाला है, हाँ 3 बजने वाला है, 4 बोल रहे हो, ओके। तो भाई मैं इनके घर पे गया था, आंटी लोगों से बात किया, आंटी की बहुत ही बेटी थी, उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे चाय वगैरह भी पिलाया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से बात बात भी किया। और अभी मैं इसके नीचे गांव में जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या है गांव में, कैसे लोग रहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ तो बहुत ही टफ है, ना ही रास्ते हैं इनके घरों पे आने के लिए और ना ही कोई और सुविधा है, कमरे भी बहुत छोटे छोटे, उन्होंने आई थिंक से कुछ 8x8 या 8x9 के कमरे उन्होंने 2-3 बना के रखे हैं छोटे छोटे, मतलब घुसोगे एक चारपाई है और एक चारपाई की और जगह है, उसके बाद ख़त्म, बाकी कुछ नहीं है, बहुत टफ लाइफ है। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता कि मैं इनकी कोई हेल्प करूं। मयाली विलेज है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, चोपता दुर्गाधार के बीच में मयाली विलेज है, वहां पर ये सिचुएशन है। अभी इसके नीचे और मैं जा रहा हूं, देखता हूं वहां पे कैसे लोग रहते हैं, क्या है उनका जीवन यापन करने का तरीका। जाएंगे कैसे भी, चलो मुझे देखना है। अच्छा वो जो सामने घर दिख रहा है वहाँ भी कोई रहता है? हाँ,
वो वहाँ पर भाई बहुत ही टफ लाइफ है इन लोगों की। मीन्स कि मैं नीचे उतर के आया हूँ, कैसे आया हूँ मुझे डर लग रहा था। और इन लोग बोलते हैं कि ये यहाँ पे रेगुलर रहते हैं और दिन भर में अप डाउन कर लेते हैं एक दो बार पहाड़ों में। चुप रहो भाई, कितना आवाज करोगे आप लोग। इसमें भी कोई नहीं रहता, ये स्टोर रूम है, गौशाला नाम है, गाय तो है नहीं कोई इसमें। ये डंक वाला घास है ना, बिच्छू घास बोलते हैं हम लोग। छूने से पूरा ये तकलीफ होती है ना, खुजलाहट हो जाती है। क्या हो गया, काटेगा तो नहीं भाई? डरा मत भाई तू भौंक के। अभी जोर से जाऊं? ये भैया क्या करते हैं? वो भी बाहर रहते। कितना परिवार, मतलब घर कितना है? कई कई घर हैं शायद, कुछ टूटे हुए भी घर हैं। नहीं, घर तो चार ही हैं। अच्छा, दो परिवारों पर रहते हैं ना, एक इधर एक उधर। और नदी में भी काफी लोग हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, कुछ बालू उलू निकाल रहे होंगे ना? नहीं, काम चल रहा है वो। अच्छा, पुल वगैरह बना रहे हैं क्या? चक डैम बोलते हैं ना, जैसे पार करने के लिए ना इधर से उधर। हाँ, बाढ़ आएगी ना तो खेत के यहाँ पत्थर लगाते हैं जैसे खेत। अच्छा, खेत का मिट्टी बहे न कट करके। ओके, और यहाँ कितने परिवार लोग हैं? यहाँ पर सब लोग रहते हैं? सब लोग रहते हैं मतलब? ओके, ये भाभी अकेले यहाँ पे रहती हैं। डर नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। और फटाफट ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर भी आ गए और हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। और ये इनका घर है। कमरे आप लोगों के बहुत छोटे छोटे होते हैं। हाँ, छोटे कमरे। सेम यही साइज ये भी रहेगा? इससे छोटा है। अच्छा, ये इससे थोड़ा बड़ा है। तो सरकार की तरफ से जो राशन वगैरह मिलता है तो लेते हो आप लोग? जय भगवान की। सांस सांस। आपने बोला ये भी फूल का पेड़ है? ये कौन सा फूल हो सकता है? आपको इतना काम करना पड़ेगा पानी पिलाने के लिए? जिस घर को मैं आज 3 दिन से देख रहा था कि लाइट जल रही, मुझे वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाके कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस घर में कोई नहीं रहता, बाहर लोग रहते हैं। और मैंने यहाँ पे गांव के लोगों का कल्चर देखा, बहुत टफ लाइफ है इन लोगों की। थैंक यू। और अगर पहाड़ों में आप लोग रह रहे हो, अगर बाहर से पहाड़ों में आते हो तो इनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार लोग होते हैं। और क्या ही बताऊं, इनके बारे में जितना बोलूंगा उतना कम है मेरे लिए। आ गए स्कूल से तुम लोग? हाँ। कौन से क्लास में हो? 8। और तुम? 5th। तुम 7th? Yes, sir। हाँ, तुम लोग थकते नहीं है ऐसे पहाड़ों पे चढ़ के? नहीं थकते? स्कूल का टाइमिंग क्या होता है? 9। सुबह 9 से 4। तो अभी 4 तो बजा नहीं, जल्दी छुट्टी हो गई। तो भाई बच्चों ने कहा कि 8-10 बच्चे हैं गांव के जो स्कूल जाते हैं साथ में सब। और
एक बच्चा था जो 7th class में था, उनके घर पे ही मैं गया था। उनकी मम्मी से बातचीत हुई, उन्होंने गांव मुझे घुमाया। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बाहर के लोगों को, तो हम लोगों को भी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दिल से इन लोग को सैल्यूट है, इतने पहाड़ों के नीचे रहना बिना रोड के और लाइफ को सर्वाइव करना। उनके परिवार के लोग, उनके हस्बैंड गांव बाहर रहते हैं, गांव से शहरों में दूर दूर जाके, और औरतें सारी जिम्मेदारियां लेकर अपने घर का, अपने बच्चों का, सास ससुर का निभाती हैं घर में रह के। और हमारी तो हालत ख़राब हो चुकी है, आप लोग मेरे बात करने के तरीके से समझ सकते हो, सांस लेने में इतनी का प्रॉब्लम हो रही है, तो समझो आप कि मैं कितना नीचे से ऊपर आ रहा हूँ। बहुत सारा पसीना हो गया, अभी तो ठंड लग रही थी, ठंड भाग गई ऐसे लग रहा है, एकदम हालत ख़राब। और मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया हूँ, सुंदरी के पास, और अभी यहाँ से मैं सीधा जहाँ पर स्टे किया हूँ वहाँ पर जाऊँगा, थोड़ा आराम करूँगा। भाई साहब, आंटी लोग खेत में काम करने आई हुई हैं। ओ मंजू आंटी, हाँ हाँ हाँ, ये सही बोला आपने, आंटी बोल रही यूट्यूब चैनल होगा आपका, क्या बात है। तो आप अपने हस्बैंड को नहीं बोलते काम करने के लिए खेत में? तो वो बोलेंगे कि हम तुमको कमा के भी खिलाएं, ये काम भी करें। ये हमारे हस्बैंड को क्या है कि वो एक बार की ड्यूटी करके आ गए हैं। तो ये कौन सी बात है, मतलब अब बुढ़े हो गए हैं। आप अभी जवान हो, आप अभी जवान हो। देख लो भाई, आप लोग पहाड़ की जो आंटी और दादी लोग होती है कितनी स्ट्रांग है। यहाँ पे ऐसे बोलो ना, यहाँ का नेचर ही ऐसे, नेचर ही ऐसे है, थोड़ा उस हिसाब से चलते हैं यहाँ के लोग। तो खेत में घास है कहाँ जो खोद रहे हो आप लोग? निकालने पड़ते हैं ना, इन तो इसमें कीड़ा लग जाता है ना, ये इसको रखेंगे ना। यार हमारे खेतों में इतना काम नहीं करते, मेहनत नहीं होता ना, वहाँ बरसात बहुत होती है। नहीं यार, हमारे यहाँ भी बरसात कमी होती है। जब वो दारू पी के आते हैं, दारू पी के जब आते हैं तो आप लोग डांटते नहीं उनको? नहीं डांटते, नहीं डांटते। अच्छा उससे क्या आपको फायदा होगा? वो क्या है ना, उससे ये इनके भी हमारे भी क्या है, वो आर्मी एक्सपीरियंस। अच्छा, आर्मी रिटायरमेंट है, ओके। अब बोल रहे सरकार हमको दे रही, हम क्यों ना पी। अच्छा, हमको तो मिलता है अपना कोटा, तो हम पिएंगे। सही बात है, नहीं घर पे बैठे रहोगे तो फिर हाथ पैर में जकड़न आ जाएगी, फिर तकलीफ होगी। हाँ, और घर में बैठे रहोगे तो एक एक कमी निकालोगे बहुओं की, और बहुएं फिर इरिटेट हो जाएंगी, बोलेंगी भागो यहाँ से। ना रोड रोड घूमने से अच्छा तो ये है कि अपना खेत भी चला रहे। हाँ है ना, रोड पे ऐसे घूमने में खाली है। ये हमारी मंजू आंटी है, बहुत सीधी सादी है लेकिन बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं, आप लोग देख सकते हो। डर नहीं लग रहा है आपको पेड़ पे चढ़े हो? अगर अगर टहनी टूट गई तो? अच्छा, तो ये आप छटाई कर रहे हो या फिर जानबूझ के चारा काट रहे हो? ओके, आपके ही खेत का है ये? दूसरे के खेत का होता तो झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, वो बांज का पेड़ जो होता है वो भी तो जंगलों में है ना, वो भी खाते हैं ना आपके गाय भैंस? चलो सही है, आप बहुत स्ट्रांग हो आंटी।
तो भाई साहब बहुत ठंड है आज यहाँ पर और रात से ही बारिश हो रही है, बादल हुए हुए जबरदस्त वाले हुए हैं। मैं तो कांप रहा हूँ यार, तुझे ठंड नहीं लग रही है? हाँ लग रही है ना। तो क्या करेगा, पानी अभी ले जाके नहाएगा? लाइट कहाँ है जो नहाएगा? लाइट नहीं है तो कहाँ से गर्म करेगा तू? भाई साहब लाइट भी नहीं है। और अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैंने कुछ खाने का अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है। क्या ही बताऊँ यार, और अच्छा हुआ कि मैं तुंगना चौकता नहीं गया, नहीं तो शायद है कि मैं और फंस गया होता। क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं कुछ कपड़े वगैरह लेकर नहीं जाऊँगा, सीधा स्लीपिंग बैग रखूँगा और इंस्ट्रूमेंट मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह रखूँगा और सीधा निकल जाऊँगा। और रात से ही बारिश हो रही है, देखता हूँ क्या मिलेगा खाने के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, कल से ही हो रही है। भाई खाने के लिए तीन चीज़ें लिया है हमने और चल रहा हूँ रूम पर। आराम से चुपचाप बैठूँगा रजाई के अंदर हाथ पैर डाल के, मन करेगा कुछ बना लूँगा, नहीं तो किसी बंदे को बोलता हूँ बनाने के लिए जो अगल बगल रहते हैं लड़के लोग। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्या ही बोलूँ यार कितनी ठंड है। चाय वाले का पैसा नहीं दिया था, उसको भी पे करते जाऊँ, नहीं तो बोलेगा भूल गए क्या। अरे तो बंद करके गया भाई, चाय वाला तो बंद करके चला गया। लेकिन यार घूमने का मज़ा है इसी बरसात में। सोच रहा हूँ कि गाड़ी उठाऊँ और निकल जाऊँ घूमने के लिए कहीं।